आज की संडे राइड शुरू हो गई है काशीपुर से। तो कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक फ़ोन उठाया और चल दिया मैं ब्लॉगिंग के लिए। बीन बजाता जो ससेरे। आज आपको राज बता दिया मैंने, मेरे थंबनेल पे जितने ही बादल चमकते हैं ना, सभी को मैं एडिट करता हूँ अच्छे से। तो चलिए रील वील शूट कर लिया, यहाँ पे जा रहा मोटो ब्लॉगर। वाह यार, बट उस साइड है। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, आई हो बढ़िया होंगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की संडे राइड शुरू हो गई है काशीपुर से। सुबह से लेकर मैं यही सोच रहा हूँ कि कब निकलूँ कब निकलूँ। यार संडे में ना आलस इतना आता है, मन नहीं करता कहीं जाने का, बट क्या करें भाई, वीडियो भी बनानी है, अगर व्लॉग नहीं बनाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। जितना मैं सोच रहा हूँ ना कि डेली व्लॉग लेके आऊँ, उतना मुझे आलस आता जा रहा है, उतना ही मैं आलस करता जा रहा हूँ यूट्यूब के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और आलस को दूर रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये बहुत टाइम वाला काम पूरा होगा। संडे है, भीड़ कम है, तो भीड़ तो वैसे भी कम होगी क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, कौन निकल रहा है यार। बट कुछ भी है, आज आपको एक चेंज देखने मिल रहा होगा मेरी बाइक में, तो मिरर मैंने चेंज कर दिए हैं। सुबह सोच रहा था इसकी भी वीडियो बना लूँ, बट मन नहीं कर रहा यार, धूप ज़्यादा हो रही थी, सोचा फिर कभी बना लेंगे। और यहाँ से मुझे लेनी है, कोई बैठा है यहाँ पे, बैठा तो है, मुझे यहाँ से लेनी है जो फ़ोन के स्पीकर होता है ना, वहाँ पे जो अब जाली टाइप लगाते हैं जिससे कि धुंध अंदर ना जाए, वो लेनी है, वो मैं लूँगा आने के बाद वापसी में। तो कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक फ़ोन उठाया और चल दिया मैं ब्लॉगिंग के लिए। इसे पहले प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप राइड पे जा रहे हो या संडे राइड जो भी है। चलो इधर ही चलते हैं, आधा पाधा कर लिया, इधर ही चलते हैं। आप क्या मौसम है आज, एकदम ज़बरदस्त, बादल भी देख रहे हो कितने मस्त लग रहे हैं यार, और कैमरे में तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलो यार कहीं से निकालने की जगह मिल जाए बस थोड़ी सी। बाकी मौसम देखो यार कैसा हो रहा है ना, आज बादल भी हैं, क्लीन एकदम चमक रहा है सब कुछ। ऐसे टाइम पे ना राइडिंग करने में, फ़ोन से करता था तो मज़ा नहीं आता था, फ़ोन से ब्लॉगिंग करने में बादल भी सारे ऐसे दिख जाते थे सफ़ेद सफ़ेद, बट कैमरे में तो रियल कलर आता है निकल के, और ज़्यादा अच्छे लगते हैं बादल भी। ओए होए, पुलिस के सामना हो ही जाता है कहीं ना कहीं डेली। तो कैसे लग रहे हैं मिरर में प्लीज़ एक कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत मन को मार के लगाए हैं, अच्छे तो नहीं लग रहे थे पहले, मैं ऐसे ही रखता था ये वाले मिरर, क्या मर गए। तो क्या बोल देता यार, आजकल मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी फिसल जाती है, बोलना था कि क्या कर रहे हैं, बोले क्या मर गए। वाह क्या ब्लॉगर बनने का रहे तू, गाड़ी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, साइड से भी ऐसे भी धुलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ये देखो लहरे ले रहा है अंकल का पहिया। बीन बजाता जो ससेरे। क्या बात है, ये ऐसे ऐसे चूतियों से ज़्यादा परेशान रहती है सर पब्लिक ना। मतलब कहीं भी घुस दो, कहीं भी घुस जाओ, कोई मतलब नहीं किसी को, पीछे क्या है क्या नहीं है। रेनोल्ट, रेनोल्ट का शोरूम भी इधर है, रेनोल्ट की गाड़ी सामने आ गई और रेनोल्ट का शोरूम भी देखो इधर। थैंक यू, दो वीडियो 1000 पास, एक तो 2000 प्लस हो गई है व्यूज के मामले में और दूसरा 1000 प्लस क्रॉस कर रही है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस मिल रही है, शायद कंटेंट में सुधार हो रहा है और वीडियो पे व्यूज भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बहुत टाइम भी अच्छा प्लस हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्टाग्राम पर भी 10K प्लस से ज़्यादा 11000 हो गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, मज़ा आ रहा है। ढूंढ 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 यहाँ से, वो मेरी फेवरेट जगह आ गई देखो, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा व्यू लगता है, जो बादल वगैरह दिखते हैं इस टाइम तो वाह भाई वाह। एडिट कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मैं थंबनेल में ना अपने बादल वगैरह अच्छे से लगाता हूँ। आज आपको राज बता दिया मैंने, मेरे थंबनेल पे जितने ही बादल चमकते हैं ना, सभी को मैं एडिट करता हूँ अच्छे से, बट लगता नहीं है किसी को कि ये एडिट करा हुआ है। आप मेरी वीडियो में देखोगे, मेरे हेलमेट में ना डबल वाइजर है, ब्लैक वाला भी है इसमें देखो, ठीक, इससे धूप में बहुत आराम मिलता है, ऐसे ठंडा ठंडा मौसम लगता है बाहर को देखने में ना, इसको लगा लो तो बहुत ठंडा ठंडा फील होता है, ऐसा लगता है कि मतलब बाहर का मौसम ठंडा है, गर्मी वाली फीलिंग ही नहीं आती। मैं कहाँ जा रहा हूँ पता ही नहीं, आज की राइड का ना, आज की ब्लॉग का क्या टॉपिक है कुछ नहीं भाई, रैंडमली ऐसे उठा के निकल गया भाई, मन कर रहा था ब्लॉग बनाने का तो निकल गया। बस एक यहाँ पे करवा अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, ये
बस थोड़ा सा मोड़ पे जो है वो दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। चलो थोड़ी हैंडलिंग कर लेते हैं, ये फायदा होता है हैंडल ऊपर रखने का। ओ भाई साहब, ये ओहो क्या बादल हैं, वाह एक नंबर लोकेशन है। चलते हाईवे के पास और वहाँ पर थोड़ा गाड़ी का लुक दिखाते हैं, इन मिरर को लगा के कैसा लुक आ रहा है। राइट में ले लें यहाँ से। बड़ी स्पीड में आ गया जैसा। हाईवे पे चलते हैं और इस बाइक को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि मिरर लगा के क्या चेंज हुआ है, कैसी लग रही है, अच्छे से दिखा दूँगा आपको। और यहाँ पे मैं एक बार वीडियो बना के गया था, जैसे मैंने अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन दिखाए थे आपको कि अगर आप मोटे ब्लॉगर हो तो क्या क्या मॉडिफिकेशन आपकी गाड़ी में होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई साहब, ये थोड़ी सी सैंडलिंग, वाह 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 वाह, हिला है क्या, ये बोल रहा है, ये बोल रही है, हाँ ये बोल रही है। 71 प्लस सर्विस रोड मैप, यहाँ से देखो यार क्या मस्त व्यू आ रहा है ना, एकदम क्लीन वाला। और बादल यहाँ से देख रहे हो, आसमान में देखो कितना अच्छा है। तो चलिए पहले एक थोड़ा रील वील बना लेते हैं, रील बनाने के बाद आपको देखने मिलेंगी इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्प्ले पे पॉपअप हो रही होगी, ठीक है, वहाँ से आप ये रील वगैरह को देख सकते हो। तो पहले कहीं स्टॉप करें तो अपनी गाड़ी साइड में लगा के, क्योंकि वापसी जा रहा हूँ ना, इससे पहले रील बना लेता हूँ, याद आ गया मुझे, नहीं कि हर बार मैं ऐसे निकल जाता हूँ। अरे मछलियाँ, वाह ओहो क्या है, बरसात का पानी है, मछलियाँ निकाल दिखाई दे रही हैं इसमें, छोटी छोटी ना, वहाँ पे उस साइड में। चलो पहले बनाते हैं रील, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, धूप भी बहुत तगड़ी हो रही है, ठीक है। बाकी यहाँ से एक बार व्यू देख सकते हो इधर का, क्या मस्त लग रहा है ना एकदम चक्का। तो यहाँ पे खड़ी हमारी कर लो। तो चलिए रील वील शूट कर लिया है, यहाँ पे जा रहा मोटो ब्लॉगर, वाह यार, बट उस साइड है, फ़ोन से कर रहा है भाई, मस्त है एकदम। और हमारे भी फ़ोन से ही करते करते ये 3,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, और अच्छी सक्सेस मिल रही है आपकी दुआ से और आपके सहयोग से। चलिए तो अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, रील वील भी शूट कर ली है।